बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक तमाम हमने उसकी मशकें भी कर ली और उनकी तमाम हमने मसालें भी कर ली और उन चैप्टरों की हमने मुतफरक मशकें भी कर ली। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 7 की मुतफरक मशक स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 था MCQs वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और बच्चों हमने क्वेश्चन शुरू किया है, क्वेश्चन नंबर 2 है मुतफरक मशक का। तो बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। आपने जो उनसी इसकी मोबाइल की जो उनसी क्वालिटी रखनी है वीडियो की वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, इस तरह पूरी स्क्रीन कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज ज़ेल सवालों के हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। इसका जो सा सवाल नंबर 1 था, जोज नंबर 1 था, वो जाविये की तरीफ करनी है, वो आपने बुक से जाविये की तरीफ याद कर लेनी है। और इसका जोज नंबर 2 है, जाविये की पमैच 60 के निज़ाम का क्या, 60 का निज़ाम क्या है, ये भी तरीफ आपने बुक से देख लेनी है। और मैंने ले लिया जोज नंबर 3, दो कैमातुल जावियों में कुल कितने मिनट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको कायमा जाविये का पता होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जो सा हमारा कायमा जाविया ना, जो सा कायमा जाविया वो हमें पता है कितना होता है, 90 डिग्री का। ये आपने याद रखना है, कायमा जाविया कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर हमारे पास है दो कायमे जाविये, कितने हैं, दो कायमे तुल जाविये, जावियों दो, अगर हमारे पास दो कैमातुल जाविये हों, कितने, दो कैमातुल जाविये हों, तो उसकी, क्योंकि एक कायमा जाविया हमारे पास किसके बराबर है, 90 डिग्री के। अगर दो कायमे जाविये तो क्या कर देंगे, 90 प्लस 90 डिग्री कर देंगे। 90 डिग्री को 90 डिग्री में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री आ गया, क्योंकि एक कायमा जाविया 90 डिग्री का होता है। अगर दो कायमे जाविया तो 90 प्लस 90 कर देंगे, 180 डिग्री आ गया। हमने इसके अंदर अब डिग्री है ना, अब इसके अंदर है ना मिनट मालूम करने हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी हम किस तरह मालूम करते थे एक्सरसाइज के अंदर, 160 को हम 180 को ज़रब करवा देंगे 60 के साथ और ऊपर क्या लिख देंगे, मिनट। इस डंडे का मतलब क्या होता है, मिनट। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमारा सोल्यूशन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया सोल्यूशन, एक कायमा जाविया 90 डिग्री का, दो कायमे जाविये तो 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को ना हमने मिनट में ले जाना है, डिग्री को मैं किसको चेंज करेंगे, मिनट के अंदर। तो हम 180 को 60 के साथ जरब करवा देंगे, ये अलामत होती है मिनट की। तो बच्चों इसको ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, 180 ज़रब करवाएंगे 60 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 10,800 मिनट आ गए हमारे पास। ये अलामत किसकी है, मिनट की। इतने मिनट होंगे दो कैमातुल ज़ाविये के अंदर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4, जाविये की रेडियन में तारीफ करें। तो बच्चों ये भी आपने बुक से देख लेना है, जाविये की रेडियन में तारीफ। अब करेंगे जोज नंबर 5। तो बच्चों ये हमारे पास जोज नंबर 5 है और हमें इसने क्या दे दिया, पाई ओवर 4 को डिग्री में तब्दील करें। बच्चों हमने किस में चेंज करना है, डिग्री के अंदर, रेडियन में दे दिया। देखो पाई आ गया ना अंदर, तो ये डिग्री तो है नहीं है, ये किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। पाई ओवर 4 का मतलब क्या है, ये किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। जब भी हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, ये हमारे पास क्या है, पाई ओवर 4 है, ये असल में रेडियन है हमारे पास, क्या है, ये रेडियन है।
तो बच्चों जब भी हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, पाई ओवर 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 बटा पाई के साथ, ऊपर होल की डिग्री डाल देंगे और ये रेडियन का ये वाली चीज़ भी ख़त्म कर देंगे रेडियन को। इस तरह किया करें, जिस तरह मैं स्टेप करता हूँ ना इसी तरह स्टेप किया करें, आपके इंशाल्लाह 75 में से 75 नंबर आएंगे। तो बच्चों ये रेडियन के अंदर है, रेडियन को किस में तब्दील करवाना है, डिग्री के अंदर। तो हम इसको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 बटा पाई के साथ। तो बच्चों ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 180 तकसीम 4 और ऊपर होल की डिग्री। अब इसको तकसीम करवा देंगे 4 के साथ। तो बच्चे ये मेरे पास 180 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ये 45 डिग्री। तो बच्चे ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 5। तो बच्चे इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, क्योंकि तरीफें आपने खुद याद करनी है, जो उनसे समझाने वाली चीज़ है वो इंशाल्लाह समझाऊंगा, तो समझाता ही आया हूं मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो बच्चों अब करेंगे जोज नंबर 6 है हमारे पास, जोज नंबर 6 और ये हमारे पास है 15 डिग्री। 15 डिग्री को रेडियन में तब्दील करें, तो जोज नंबर 6 है हमारे पास। अब डिग्री में दे दिया उसने, कितनी है हमारे पास 15 डिग्री, क्या हमारे पास है 15 डिग्री दे दिया। जब भी बच्चों हम डिग्री को रेडियन में तब्दील करते हैं, जब भी हम डिग्री को किस में चेंज करवाना है रेडियन के अंदर, तो हमने एक काम करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 बटा पाई के साथ। किसके साथ, पाई बटा 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो मैंने गलत कर दिया था, तवज्जो करना है, डिग्री को किस में चेंज करवाना है रेडियन के अंदर, तो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई ओवर 180 के साथ, और साथ क्या लिख देंगे, रेडियन भी लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे रेडियन। जब भी बच्चों डिग्री को हमने रेडियन में तब्दील करवाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, पाई ओवर 180 के साथ। तो बच्चों अब इसको कैंसिल करवा देंगे, तो ये मेरे पास 3 के टेबल पे करेंगे इसको, तो ये 3 5 15 और 3 6 18 60 आ गया हमारे पास, यानी 5 ज़रबे पाई बटा 60 आ गया। 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 3 5 15 5 आ गया, ये पाई इसी तरह, इसको 3 के टेबल पे 3 6 18 6 आ गया, और ये 0 7 इसी तरह। अब फिर 5 के टेबल पे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दुनी 10, तो हमारे पास आ गया पाई ओवर 12 आ गया, पाई ओवर 12 साथ हम क्या लिख देंगे, रेडियन भी लिख देंगे, क्योंकि रेडियन में है ये हमारे पास। अगर आप ये नहीं भी लिखते ना रेडियन, इस पाई से शनाख्त हो जाती है ये भी रेडियन में आंसर है हमारा। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चे जोज नंबर नेक्स्ट करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास है जोज नंबर 7। जोज नंबर 7 है, हमें क्या दे दिया उसने, दायरे पर कोस की लंबाई, कोस की लंबाई, कोस की लंबाई कितनी हमारे पास 50 मीटर है, और इसका रदास हमें दे दिया 25 मीटर है। तो मरकज़ पर बनने वाला जाविया, मरकज़ पर बनने वाला जाविया कितने रेडियन का
होगा। तो कितने रेडियन का होगा? तो बच्चों हमने रेडियन में आंसर देना है इसका, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास जोज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। दायरे पर कोस की लंबाई 50 मीटर है और इसका रदास कितना है? 25 मीटर है। तो मरकज पर बनने वाला जाविया कितने रेडियन का होगा? तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोस की लंबाई, और कोस की लंबाई को हम किससे जाहिर करवाते थे? एल के साथ। वो कितनी हमारे पास? 50 मीटर है। इसी तरह हमारे पास रदास हमारे पास कितना है? रदास को हम आर से जाहिर करवाते हैं, वो हमारे पास है 25 मीटर। और हमने क्या मालूम करना है? जाविया। क्या मालूम करना है? जाविये को हम ठीते से जाहिर करवाते हैं, ठीता हमने मालूम करना है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोस की लंबाई को एल से जाहिर करवाते हैं, रदास को आर से जाहिर करवाते हैं, जाविये को ठीते से जाहिर करवाते हैं। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ था, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने थीटे की वैल्यू निकालनी है। आर इस तरफ जरब है, इस तरफ आके आर क्या हो जाएगा? तकसीम। तो बच्चों फिर हम ये निकाल सकते हैं ना वैल्यू, थीटा मसावी एल ओवर आर। तो ये मेरे पास थीटा आ गया। एल किसकी? एल हमारे पास 50 है, और थीटा कितना हमारे पास? 25 है। तो बच्चों ये हमारे पास एम एम के साथ कैंसिल हो गया, 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया? 2 रेडियन में आ गया। 2 के साथ क्या लिख देंगे? रेडियन लिख देंगे। 2 रेडियन आ गया हमारे पास। टू रेडियन आ गया। फिर दोबारा रिपीट करवाते हैं तो दे देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोस की लंबाई को एल से जाहिर करवाया, वो कितनी थी? 50 मीटर। रदास कितना था? 25, और आर से जाहिर करवाया रदास को, और ये कितना है? 25 मीटर। जाविया थीटा मालूम करना है, तो हमने फार्मूला किया हुआ बुक के अंदर, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल से मराद कोस की लंबाई, आर से मराद रेडियस, थीटे से मराद जाविया। हमने थीटा निकालना है। आर का फिर इधर कोई काम नहीं है, आर इस तरफ जरब है, इस तरफ आके तकसीम हो गया। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब एल की वैल्यू दर्ज करवा दी, आर की वैल्यू दर्ज करवा दी, 50 बटा 25, 50 को 25 पर तकसीम करवाएंगे तो 2 रेडियन आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2 रेडियन। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 करेंगे। जोज नंबर बच्चों 8 है हमारे पास। बच्चों हमारे पास जोज नंबर है 8। जोज नंबर 8 है हमारे पास। जोज नंबर 8 के अंदर उसने हमें क्या दे दिया? एल मसावी 56 मीटर दे दिया। एल 56 मीटर दे दिया, और थीटा हमें दे दिया उसने 45 डिग्री। हो तो आर की कीमत, हो तो आर की कीमत मालूम करें। आर की कीमत हमने मालूम करनी है। तो बच्चों हमें क्या दे दिया उसने? एल दे दिया। एल हमारे पास किसके बराबर है? 56 मीटर के बराबर है, और थीटा हमें कितना दे दिया? 45 डिग्री। और आर हमने क्या करना है? मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ये जोज नंबर है 8, एल हमें 56 मीटर, थीटा हमें 45 डिग्री दे दिया। और पहले थीटे को हम रेडियन में तब्दील करवाएंगे। पहले थीटे को हमने किस में चेंज करवाना है? रेडियन के अंदर। तो डिग्री को जब रेडियन में तब्दील करवाएंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? पाई ओवर 180 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास थीटे की वैल्यू आ जाएगी, थीटा मसावी। रेडियन में चेंज करवाना है थीटा हमने। तो बच्चों ये डिग्री के अंदर है, हमें थीटा चाहिए रेडियन के अंदर। तो बच्चों हमने थीटा किस में चाहिए? रेडियन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाएंगे। तो जब भी डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाना, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? पाई ओवर 180 के साथ।
तो बच्चे ये मेरे पास ठीता इसी तरह आ गया। मसावी 45 ज़रबे पाई की कीमत होती है 3.14 और तकसीम आ गया 180। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ठीते की आ जाएगी। किसके अंदर है? रेडियन के अंदर। तो बच्चे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 45 ज़रब करवाएंगे 3.14, तो ये हमारे पास, और इसको तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.785 आ गया। साथ हम क्या लिख देंगे? ये रेडियन में है। किस में है? ये हमारे पास रेडियन में। रेडियन में है। ये किसकी वैल्यू आ गई? थीटे की। तो बच्चों ये डिग्री के अंदर था पहले थीटा, इसको हमने रेडियन में चेंज करवाया। किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया? पाई ओवर 180 के साथ। डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाएंगे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या मालूम करना है? थीटा। हमें एक फार्मूला किया हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने आर निकालना है। थीटा इस तरफ क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई। इस तरफ आके थीटा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर मसावी एल ओवर थीटा। आर मसावी एल कितना हमारे पास? 56 है। थीटा कितना हमारे पास? 0.785 है। अब तकसीम करवा देंगे, 56 56 तकसीम करवाएंगे 0.785 785। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर की जो सी वैल्यू आ गई ना हमारे पास, आर मसावी 71.33। 71.33 आ गया। देखो इसके अंदर यूनिट कौन सा इस्तेमाल हुआ है? मीटर। और इसके साथ क्या लिख देंगे? मीटर लिख देंगे। तो बच्चे ये क्या आ गया हमारे पास? आर की वैल्यू। ये था हमारे पास जोज नंबर 8। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे। ये जोज नंबर 8 था। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे। इसका हमारे पास है जोज नंबर, हमारे पास है इसका जोज नंबर, इसका हमारे पास 9 है। जोज नंबर 9 कोज क्या दे दिया हमें इसने? कॉज थीटा मसावी 9/41 है। और थीटा जो सा ना हमारा, थीटा का इख्तितामी, इख्तितामी बाजू, बाजू चौथे रबे में है। किसके अंदर है? चौथे रबे में, चौथे रबे में है। तो टैन थीटे की वैल्यू मालूम करें। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? टैन थीटे की हमें। तो बच्चों सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैंने बकायदा एक्सरसाइज के अंदर समझाए हुए हैं ये क्वेश्चन इस तरह के। आपको पता है इसको कहते हैं पहला रबा, ये होता है दूसरा रबा, ये होता है हमारा तीसरा रबा, और ये होता है हमारे पास चौथा रबा। कौन सा है? ये पहला रबा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा रबा है। तो ये जो सा हमारा ठीता ना, वो चौथे रबे के अंदर है, यहाँ पर मौजूद है। तो हमें पता है यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू पॉजिटिव की होती हैं। एक हमारे पास सीकेंट थीटा पॉजिटिव का होता है, और इसके अंदर कोज थीटा पॉजिटिव का होता है। ये दो वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, बकिया यहाँ पर क्या होती है? नेगेटिव की। तो बच्चों हमने क्या निकालना है? टेन थीटे की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें कोज थीटे की दे दी। तो इसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? पहले साइन थीटे की। तो बच्चों हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस के थीटा। ये 1 इसी तरह आ गया। कॉस थीटे की वैल्यू कितनी है? 9/41। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। ये 1 इसी तरह 9 का स्केयर लेंगे 81, 41 का स्केयर कैलकुलेटर के जरिए ले लेंगे 41 का स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16/81। अब बच्चों इसका ले लेंगे जुआ जाफिकल एलसीएम, कितना आ जाएगा हमारे पास? 16/81। अब इसका बटा नहीं है, ये वैल्यू 1 के साथ ज़रब होके तो यहाँ पर आ जाएगी इस तरह। ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या आ गया? 81।
तो बच्चों ये हमारे पास क्या थी, किसकी वैल्यू हमने निकालनी है, साइन थीटे की, साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा। अब 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, बटा कितना आ गया, 1681। ये हमारे पास साइन स्केयर थीटा है, क्योंकि हमने टैन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टैन होता है साइन ओवर कोज, कोज की वैल्यू उसने दी हुई है, साइन की वैल्यू नहीं दी, तो वो हमें मालूम करनी पड़ेगी। तो मालूम करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन स्केयर होता है 1 माइनस कोस स्केयर, कोस स्केयर की वैल्यू दर्ज करवा दी और इसका एलसीएम ले लिया। तो ये मेरे पास साइन स्केयर थीटा मसावी 1600 बटा 1681। अब ये स्केयर ख़त्म करना है, तो बच्चों स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ जजर लेना पड़ेगा, इस तरह जजर ले लेंगे, 1600 बटा 81 का इस तरह जजर, मरबा जजर कैंसिल हो गया, साइन थीटा प्लस माइनस। तो बच्चों ये 1600 का जजर लेना है और 1681 का, तो बच्चों 1600 का हम जब जजर लेंगे ना, जजर 1600, तो मेरे पास 40 आ जाएगा, कितना आ गया 40, 1681 का जजर लेंगे तो 41 आ गया। जजर को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, तो बच्चों अब हमने बता, ये हमारे पास प्लस माइनस आ गई। अब थीटा कहाँ पर मौजूद था, चौथे रबे के अंदर, थीटा कहाँ पर मौजूद है, चौथे रबे के अंदर, चौथे रबे के अंदर ये दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव के, बकिया यहाँ पर चार क्या होते हैं, नेगेटिव के, यानी बकिया चार कौन से नेगेटिव के हैं, तो अगर मैं बताऊं तो ये माइनस का साइन थीटा भी नेगेटिव का है, माइनस का कोसिकेन थीटा नेगेटिव है, और इसी तरह टैन थीटा भी नेगेटिव का है और को थीटा भी नेगेटिव का, यानी ये दो पॉजिटिव के होते हैं इस रबे के अंदर, ये चार क्या होते हैं, नेगेटिव के, टोटल छः है हमारे पास त्रिकोणियाती फंक्शन। तो साइन थीटा क्योंकि थीटा किसके अंदर मौजूद है, चौथे रबे के अंदर, यहाँ पर उसने बताया हुआ है थीटा का इख्तितामी बाजू चौथे रबे में है, तो ये है चौथा रबा, तो यहाँ पर फिर साइन की वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पर फिर साइन की वैल्यू किस में ले लेंगे, नेगेटिव के अंदर ले लेंगे, -40 बटा 41 आ गई। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन की, मैंने तो निकालनी थी टैन की वैल्यू, तो टैन थीटा फिर किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो बच्चे ये मेरे पास टैन थीटा इसी तरह आ गया, साइन की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चे मेरे पास ये टैन थीटा मसावी होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मेरे पास टैन थीटा इसी तरह आ गया, साइन की वैल्यू मेरे पास -40 बटा 41 है, -40 बटा 41, कोस थीटे की वैल्यू 9 बटा 41, 9 बटा 41। अब बच्चों हम इसको तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाते हैं तो हमें क्या काम करना होता है, वैल्यू को उल्टा देते हैं इसको, ये तकसीम हो रही है ना, ज़रब के अंदर लेके जाना है हमने इसको, तो इसको उल्टा देंगे, 41 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, 41 41 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया टैन थीटा मसावी -40 बटा 9 आ गया। ये मैंने किसकी निकाल ली, टैन थीटे की वैल्यू। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 9। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 10 करेंगे और साथ ही हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। हम का मतलब होता है फिनिश हो गया। तो बच्चे ये हमारे पास जोज नंबर है 10 है और हमने क्या करवाना है, साबित, साबित करें, क्या साबित करवाना है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है, हमने साबित करवाना है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्केयर थीटे के। जब आप करोगे ना एक्सरसाइज 7.4, उसके अंदर मैंने ये फार्मूले बड़ी डिटेल के साथ समझाए हैं आप लोगों को,
फार्मूलों के बगैर नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो ये वन माइनस साइन स्केयर किसके बराबर है, कोस स्केयर के। इसी तरह आपको पता होना चाहिए वन प्लस टैन स्केयर, वन प्लस टैन स्केयर हमारे पास बराबर है कोस सीकेंड स्केयर के, किसके बराबर है, सीकेंड स्केयर के। वन माइनस साइन स्केयर होता है कोस स्केयर के और वन प्लस टैन स्केयर होता है सीकेंड स्केयर के। तो बच्चों हमने लेफ्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। तो वन माइनस साइन किसके बराबर है, कोस स्केयर के, या देख लें कोस स्केयर दर्ज करवा दिया। वन प्लस टैन किसके बराबर है, सीकेंड स्केयर के। तो यहाँ पर क्या आ गया, सीकेंड स्केयर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीकेंड स्केयर किसके बराबर है, वन ओवर कोस स्केयर के। सीकेंड स्केयर किसके बराबर है, वन ओवर कोस स्केयर के। तो ये मेरे पास कोस स्केयर आ गया, सीकेंड के किसके बराबर है, वन ओवर कोस स्केयर के। कोस कोस के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा, वन। तो हमें क्या चाहिए था, वन। तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दो में ज़रूर याद रखना।